14 मार्च 1931 ये वो दिन था जब आर्देशीर ईरानी ने भारत को उसकी पहली बोलने वाली मूवी आलमारा दी थी। इससे पहले भी भारत में पिक्चरें रिलीज होती थी पर उनमें कोई आवाज नहीं हुआ करती थी, लेकिन बड़े पर्दे पर पहली बार अपने किरदारों को बोलता देखकर ऑडियंस को जो बेहतरीन एक्सपीरियंस मिला उसने सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस माइलस्टोन को अभी एक सदी भी नहीं हुई है पर फिर भी आज सिनेमा इतना ज्यादा इवॉल्व कर चुका है कि यकीन ही नहीं होता कि कौन सा शॉट असली है और कौन सा नकली। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप पूरी एश्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि पठान में दिखने वाले शाहरुख खान के 8-pack एब्स असली थे या नकली? नहीं ना, बस यही तो खेल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं हूँ सैम और आज के इस वीडियो में हम आपको सिनेमा शूटिंग की कुछ ऐसी डिटेल और टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद मूवीज देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा और पठान मूवी में शाहरुख खान के एप्स की असलियत भी जानेंगे। जरा इस शॉट को देखिए, सड़क पर दौड़ रही इस 3 crore की ऑडी R8 को देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी बेहतरीन बड़े बजट वाली मूवी की शूटिंग हो रही है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस पूरे शॉट का बजट 1 crore तो क्या 1 lakh भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये सड़क असली है और ना ही ये गाड़ी। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो का बिहाइंड द सीन देख लीजिए जिसमें साफ साफ ये गाड़ी बस ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए नजर आ रही है और बाकी का काम कैमरामैन ने एंगल और लेंसेज का इस्तेमाल करके कर दिया, जिसके बाद एडिटिंग में छोटा मोटा फिनिशिंग टच देकर कलर ग्रेडिंग वगैरह संभाल ली जाती है और निकल कर आता है ऐसा मस्त शॉट कि असली और नकली में फर्क ही नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ YouTube वीडियो वाले बजट के चक्कर में ऐसे ट्रेडमिल पर गाड़ियां भगाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप खुद सोच कर देखो, एक एवरेज बॉलीवुड फिल्म में अगर गिनने बैठोगे तो 100 गाड़ियां आराम से उड़ जाती हैं, जिनमें से रीटेक भी होते होंगे और बॉलीवुड के रुतबे भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर गैंगस्टर अगर वैगनर चलाते हुए दिखेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, भाई माफिया है, उबर का कैब ड्राइवर थोड़ी है। इसलिए एक एवरेज में 30 लाख की 100 गाड़ियां खरीद ली जाए तो 30 करोड़ तो अकेले गाड़ियों में चला जाए। और इसी फिजूल खर्ची से बचने के लिए कार वाले शॉट 2 टेक्निक में शूट होते हैं। अगर कोई कार चेस सीन है तो यही ट्रेडमिल वाला तरीका अपनाया जाता है जिसमें लाइटिंग और एडिटिंग और रियलिस्टिक कर दी जाती है, बोले तो बढ़ा दी जाती है। बाकी रही बात हीरो की, तो हीरो ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठकर बस गाड़ी चलाने की एक्टिंग करता है जिसके बाद दोनों फ्रेम जोड़कर चेजिंग सीन बन जाता है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी शॉट्स जिसमें गाड़ियां उड़ती हैं और धमाके होते हैं। ऐसे शॉट्स को फिल्म करने के लिए ग्रीन स्क्रीन से कवर्ड एक रूम में एक टेबल रख दी जाती है और उस टेबल में सीन में काम आने वाली कार्स के एग्जैक्ट रिप्लिका टॉयज को रखकर कुछ इस तरह से शूट किया जाता है। पहले शूटिंग की जगह का माहौल बनाया जाता है, अगर रोड का सीन होगा तो बेस को काला पेंट कर दिया जाता है और अगर रेत का सीन होगा तो उसी बेस में ढेर सारी डस्ट डाल दी जाती है। फिर जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है रस्सियों का इस्तेमाल करके या मोटर्स का इस्तेमाल करके गाड़ियों में मूवमेंट करवाया जाता है और ब्लास्ट होने पर कई बार रियल इफेक्ट डालने के लिए रेप्लिकास को जला भी दिया जाता है। होता सब कुछ खिलौने से ही है लेकिन कैमरे इतने चमत्कारी होते हैं कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होने देते। वैसे जरा इस तस्वीर को भी देखिए, ये देखकर आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ पर शाहरुख खान के नॉर्मल और थुलथुली बॉडी पर स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करके 6-pack एब्स बना दिए गए हैं, जैसा कि आपको भाईजान की सारी पिक्चरों में देखने को मिलता है। पर आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि पठान में दिखने वाले शाहरुख खान के 8-pack एब्स पूरी तरह रियल थे। उन्होंने इन एब्स को पाने के लिए महीनों मेहनत की थी और कई किलो वेट उठाए थे, तभी तो उनका इतना बेहतरीन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। और ये भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है बल्कि ये स्टेटमेंट खुद उनके ट्रेनर ने दिया था। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि शाहरुख खान ने इस बॉडी को पाने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया था, पर जो भी कहो बॉडी मस्त थी। अच्छा, बाहुबली तो आप सभी को याद ही होगी, और हो भी क्यों ना, एक निठल्ला नकारा बंदा जो पूरा दिन कुछ नहीं करता था सिर्फ एक लड़की के चक्कर में पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ गया, मतलब छपरी होने की भी हद होती है। खैर, मुद्दे से भटके बिना वापस पॉइंट पर आते हैं। बाहुबली में प्रभास ने जिस पहाड़ को चढ़ा था वो पहली झलक में ही मेरी ड्रीम प्लेस बन गई थी, पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये जानने के बाद कि उस पूरे सीक्वेंस में एक भी पत्ती ऐसी नहीं थी जो ओरिजिनल हो, जिसका मतलब झरने से लेके पहाड़ तक, तीर से लेके कमान तक, सब कुछ केवल और केवल स्पेशल इफेक्ट्स का ही कमाल था। मगर फिर भी इस सब से इतना ओरिजिनल लग रहा था कि अपनी असली दुनिया बेकार लगने लगी। वैसे क्या आपको VFX और CGI के बीच का अंतर पता है? अगर नहीं तो गौर से सुनो। VFX का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स, whereas CGI का मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। इसको एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका है, CGI में जनरेट की गई चीजें शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह कंप्यूटर में ही क्रिएट की जाती है। जैसे कि बाहुबली में दिखने वाला पहाड़, अलग अलग मूवीज में हमें जो जानवर देखने को मिलते हैं वो, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आदि पुरुष में जो राक्षस देखने को मिले थे वो भी अफसोस
CGI का ही कमाल था। इसी कंपैरिजन में VFX चीजों को फाइनल टच देकर उसे और खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए अब सलमान खान बूढ़े लगने लगे हैं, लेकिन फिर भी फिल्मों में उनके चेहरे पर पड़ रही झुर्रियां मिटाने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो फर्निशिंग टच देने वाले एलिमेंट्स CGI में नहीं बल्कि VFX में इंक्लूड किए जाते हैं। आसान भाषा में कहे तो VFX एक ब्रॉड कंसेप्ट है और उसमें CGI इंक्लूडेड रहता है, जबकि CGI स्पेसिफिक इमेजरी को ही कहा जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम आपको पहले भी दे चुके हैं। हालांकि इतना सारा कंटेंट देखने के बावजूद अगर अभी भी मुझे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन VFX वाली मूवी का नाम लेना पड़े तो मेरे जहन में सिर्फ ब्रह्मास्त्र का नाम आता है। एक ऐसी मूवी जिसमें हद से ज्यादा पोटेंशियल था, जो ग्लोबल लेवल पर इंडियन मूवीज का परचम बुलंद कर सकती थी, लेकिन वाहियात डायलॉग और स्टोरी की वजह से एक अपॉर्चुनिटी कबाल में बदल गई। अगर आपको ब्रह्मास्त्र का क्लाइमेक्स याद है तो कोई उसमें ये नहीं कहेगा कि उसकी खूबसूरती में कोई कमी थी, लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उसी क्लाइमेक्स के बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, जिस सीन में आपने गुरुकुल, पहाड़, घास और ना जाने कितना ही बड़ा बैकग्राउंड देखा था, उसमें पर्दे के पीछे चारों तरफ केवल ब्लू स्क्रीन लगी हुई थी और बाकी का पूरा काम एडिटर्स और आर्टिस्ट ने संभाला था। एवेंजर्स एंड गेम में असेंबल सीन के VFX ब्रेकडाउन को देखकर तो आपको लिटरली चक्कर ही आ जाएंगे कि कैसे बड़े पर्दे पर लग रहा था मानो इस सीन को शूट करने के लिए पूरे मैदान में हजारों लाखों लोगों को बुलाया गया होगा, पर असल में वो सीन 100 गज से भी छोटे कमरे में शूट होकर खत्म हो गया था। पर दोस्तों, ये खूबसूरत दुनिया जो आपको सिनेमा के माध्यम से इतनी लाजवाब चीजें दिखाती है, असल में एक काली सच्चाई को छुपा रही है। आज के समय में दुनिया में 90% से ज्यादा VFX और CGI आर्टिस्ट हरेसमेंट का शिकार होते हैं। उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिलती, और मिलती भी है तो इतनी कम जैसे उन पर एहसान किया जा रहा हो। बड़े बड़े स्टूडियोज में काम करने वाले VFX आर्टिस्ट दिन के 20-20 घंटे ऑफिस में बिताते हैं, रोज 4-5 घंटे ओवरटाइम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी तरह का ओवरटाइम इंसेंटिव नहीं मिलता। और इस तरह का टॉर्चर करने वाले स्टूडियोज में सबसे ऊपर मार्वल का ही नाम आता है, जो अपने VFX आर्टिस्ट को काम देकर लिटरली उन पर टॉर्चर करता है और बड़े बड़े टास्क के लिए भी इतनी छोटी डेडलाइन देता है कि आर्टिस्ट को मजबूरन रात रात जग कर उसको करना पड़ता है। आज के समय में इतना तो मजदूरों का शोषण भी नहीं होता जितना इन VFX आर्टिस्ट का होता है, पर दुख की बात तो ये है कि क्योंकि ये लोग कंप्यूटर के आगे बैठकर सोफिस्टिकेटेड जॉब करते हैं, इसलिए इनके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाता, जो इस इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही एक बड़ा रीजन है कि आज दुनिया में धीरे धीरे अच्छे VFX आर्टिस्ट काम छोड़ने लगे हैं। हालांकि भारत में VFX का सबसे अच्छा काम अगर कोई करता है तो वो बेशक शाहरुख खान की रेड चिलीज प्रोडक्शन है, और इस साल तो रेड चिलीज के अंडर बन रही जवान भी रिलीज हो रही है, जिसमें शाहरुख खान के साथ साथ विजय सेतुपति भी आग लगाने के लिए रिटर्न करने वाले हैं। ऊपर से रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी में न सिर्फ थलापति विजय का कैमियो होगा बल्कि अल्लू अर्जुन भी इस मूवी में कैमियो के लिए दिख सकते हैं। अब इन सभी डिटेल्स को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि साउथ सपोर्ट के बिना जो शाहरुख खान की पठान 1000 करोड़ पार कर गई, उसको जब इस बार साउथ का सपोर्ट मिलेगा तब तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए आपके हिसाब से शाहरुख खान की जवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 या 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगा या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।